अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ। एक जंगल में एक शेर और खरगोश रहते थे। शेर जो था वो जंगल का बादशाह था। वो हर रोज़ शिकार ढूँढने निकलता था और अपना शिकार भागते भागते पकड़ लेता था, और जब भी उसको कोई शिकार मिलता तो वो उस पर झपट पड़ता और रोज़ाना एक न एक की शामत आई होती और वो उसको खा लेता। और भी बहुत सारे जानवर रहते थे जो उस शेर से बहुत डरते थे, क्योंकि वो जंगल का बादशाह था और इसी वजह से वो हर एक को खा जाता था। जंगल के जानवर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अच्छा तो दोस्तों, उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। उसने इन सब से सलाह की कि किस तरह इस शेर से जान छुड़ाई जाए और कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। तमाम जानवरों को मशवरा दिया कि चलो सब शेर के पास चलते हैं, मैं तुमको इसका हल बताता हूँ। चनाचे वो सब शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा तो बच्चों, जब वो शेर के पास पहुंचा तो उसने शेर से सलाह की कि अगर तुम हर एक को अलग-अलग अलग-अलग खाओगे, सबको आहिस्ता आहिस्ता, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा है और तुम भी खुश रहोगे और हम भी खुश रहेंगे। चनाचे शेर ये सुनकर खुश हुआ और ये सब मान गया। उसने उन लोगों की सलाह मानी और हर रोज़ अभी वो एक जानवर का शिकार करता था। आहिस्ता आहिस्ता जानवर ख़त्म होने लगे। उसके बाद लास्ट में खरगोश की बारी आई। खरगोश जो था वो बहुत ही स्याना था। उसने एक तरकीब सूझी और वो आहिस्ता आहिस्ता शेर के पास गया और रास्ते में ही सो गया। जब शाम को उठा तो शेर तक पहुंचा। शेर उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में था। बाद जब शेर के पास वो पहुंचा तो शेर उसकी तरफ लपका और कहा, बताओ तुम कहाँ किधर थे, इतनी देर क्यों लगाई। खरगोश ने जवाब दिया, जनाबे आला, एक बहुत ही मसला हो गया था। रास्ते में मैं था तो मुझसे एक दूसरा शेर मिला रास्ते में। वो कहता है कि मैं जंगल का नया बादशाह हूँ, मैं तुम सबको खा जाऊँगा, तो उससे मैं जान बचा कर भाग आया। तो उस शेर की उस ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से हुआ और उसने कहा कि मुझे दिखाओ वो किधर है। शेर और खरगोश दोनों एक कुएं के पास पहुँचे तो खरगोश ने कहा कि बादशाह साहब, इस कुएं में झांकिए, आपका दुश्मन इसी में है। शेर ने जब कुएं के अंदर देखा तो उसको अपना अक्स नज़र आया, यानी उसको अपना ही इमेज नज़र आया। जब वो उसकी तरफ देखकर घुराने लगा तो उसने बहुत ज़्यादा गुस्से से देखा उसको और कुएं में छलांग लगा दी। जूं ही कुएं में शेर ने छलांग लगाई, उसका सर कुएं की दीवार से लगा और शेर वहीं पर ख़त्म हो गया। ये सब देखकर खरगोश बहुत खुश हुआ। उसने सारे जानवरों को बताया कि आज शेर की आखिर हो गई है। तो बच्चों, कैसी कहानी लगी आज की? इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक अच्छी सी कहानी लेकर आऊँगा। थैंक्स।